పోయిన నమస్కారం చిన్న बिहार में टॉपर्स घोटाला ही नहीं, हर तरह का घोटाला है। तो रुपये पेल बबूल के एम्स कहाँ से हुए? लोगों ने बनाया जाए जा करके उसी सरकार को, जो सरकार 25 साल से काम कर रही है। 10 साल जो है नीतीश कुमार की सरकार थी, 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार थी। तो जो चारा घोटाला में जेल गया हुआ नेता हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? घोटाला नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आपको हम 66 रुपये किलो तूर का दाल, अरहर का दाल 66 रुपये अनमिल्ड हम देंगे, और 82 रुपये जो है हम उड़द का दाल देंगे। आप इसको खरीदो और सस्ते दर पर जो है गरीबों के बीच में बांटने का काम करो। कुछ नहीं, हमारी सरकार की जो उनका सपना था अटल बिहारी की वाजपेयी जी का, उस सपना को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के टॉप एजेंडा पर जो क्या कहते हैं कि जो नदियों को जोड़ने का जो योजना है वो उसका मूर्त रूप ले चुका है। और जो सोच है, दुर्भाग्य से हमारे देश में गरीब का सोच मर गया है। क्योंकि कहीं भी जाकर के देखिए, कोई चपरासी है तो चपरासी कहेगा कि हमारा बेटा चपरासी हो। कोई जाकर के जो है झाड़ू लगाने वाला है तो कहेगा रिटायरमेंट के बाद मेरा बेटा भी झाड़ू लगाने वाला हो। कभी वो सोचता ही नहीं है कि कोई कहेगा तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा या कलेक्टर बनेगा या एसपी बनेगा, तो उसमें कोई पैसा तो नहीं खर्चा होता है, लेकिन सोचता ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सोच पैदा करने काम किया। दूसरा मानते हैं जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार जो बिल्कुल शिष्टाचार बन गया था, अभी सरकार ने भ्रष्टाचार नाम की चीज जो है बिल्कुल समाप्त हो गई है। श्रेणी में अब कोई भ्रष्टाचार 2 साल में कह लेते हैं कि रहा नहीं है। काला धन का मामला है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सर 30 सितंबर तक जो है जिन लोगों के पास में जो काला धन है वो आप उसको डिस्क्लोज करो, हम उस पर इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। उससे कम से कम तुम्हारा भी भला होगा और राष्ट्र का भला होगा कि राष्ट्र के पास में जो है साधन क्या कहते हैं कि उपलब्ध होगा। जहां तक अब जो लोग हैं सरकार विरोधी पक्ष के लोग हैं, अब वो हल्ला करते हैं कि साहब क्या कहते हैं काला धन लाओ, बाहर से काला धन लाओ, भी ला रहे हैं और लाएंगे। लेकिन हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हल्ला कर रहे हैं कि काला धन लाओ, काला धन लाओ? वही लोग हल्ला कर रहे हैं जिन्होंने काला धन जमा किया है।